सबसे बड़ी बात है। किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आप अपने 10 रुपए का शेयर 11,000 कुछ का बेचोगे अगर और उसके बदले में करोड़ों रुपए खाओगे तो भाई जांच तो होगी ना। बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, और ये 2014 के बाद पैदा हुई। उससे पहले उन सब नौकरी लगे हुए थे, सब सबको रोजगार मिल रहा था, सब जो अमीर लोग थे मर्सिडीज में चलते थे। तो जब मीडिया गंदा काम करेगा तो मीडिया से विश्वास हट जाएगा लोगों का। जिस दिन 20-50 अंबानी देश में पैदा हो गए ना, देश इतना खुशहाल हो जाएगा कि पूछिए मत। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। ये मेरी मीडिया वो तेरी मीडिया। जी हाँ, ऐसे में देश का हाल यही है। चाहे मामला मनीष कश्यप का हो या मामला NDTV का हो या न्यूज़ क्लिक वेबसाइट का, अब पक्ष हो या विपक्ष, सब एक दूसरे के मीडिया के पीछे पड़ी हुई है। अब ऐसा लग रहा है कि मीडिया को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। जो मीडिया को टारगेट कर सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, धीरे धीरे अब टारगेट किए जा रहे हैं। अब इसी पे लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि क्या उनका ये मानना है कि जो सरकार है या फिर विपक्ष है, दोनों अपने हिसाब से मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। क्या लगता है सर आपको? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये तेरी मीडिया ये मेरी मीडिया। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का स्तर क्या है। मीडिया अपनी कसौटी पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, और मीडिया की जिम्मेदारियां क्या है, मीडिया उसका निर्वाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, जो आप बात कर रहे हो, जो छापा पड़ा है, ये पड़ा है न्यूज पे, ठीक है। अब तुम अकूत दौलत कमाना चाहते हो, नौकरी छोड़ के धन्ना सेठ बनना चाहते हो इल्लीगल तरीके से, आप अपने 10 रुपए का शेयर 11,000 कुछ का बेचोगे अगर और उसके बदले में करोड़ों रुपए खाओगे तो भाई जांच तो होगी ना। तो जांच हो रही है, तो इसलिए तुम्हारा मीडिया और हमारा मीडिया क्या हो गया, ये बोलिए ना कि चोर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से NDTV का जो मामला सामने आया, कि जिस प्रकार से NDTV जो है, सरकार कई बार कह चुकी है कि वो हमेशा से मतलब कि सरकार के खिलाफ खबरें चलाती है, चलाती रही थी पहले, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अडानी ने उसे टेक ओवर किया, और किसी से ये बात छुपा नहीं है कि अडानी और सरकार के जो रिश्ते हैं वो काफी मतलब कि नजदीकी माने जाते हैं। सवाल कंप्लीट करने दे, उनके रिश्ते काफी नजदीकी माने जाते हैं, और उसके बाद जो पत्रकारिता का जो तरीका है वो भी NDTV का बदला। तो इस क्या ये आरोप जो अभी विपक्ष भी लगा रहा है कि अगर आप सत्ता पक्ष के हिसाब से चलाएं मीडिया तो सही है, अगर जैसे ही आप खिलाफ में दिखाएं तो उसके बाद आप पे कई तरीके के आरोप लगने लगते हैं। ऐसा नहीं है, कारण है। देखिए, NDTV की आपने बात की, वहाँ पे एक रवीश कुमार जी थे, उनका एक ही काम होता था, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। और ये 2014 के बाद पैदा हुई। उससे पहले उन सब नौकरी लगे हुए थे, सब सबको रोजगार मिल रहा था, सब जो अमीर लोग थे मर्सिडीज में चलते थे, उसके बाद साइकिल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो पहले कुछ नहीं दिखाते थे, सरकार बदली उसके बाद बेरोजगारी पे वो आ गए, ये बात है। अब सुनिए, मीडिया इतना सिलेक्टिव और धोखेबाज और गद्दार हो गया समाज के प्रति। मणिपुर की एक घटना को दिखाता है, 6,500 बलात्कार राजस्थान में हुए, लेकिन मीडिया की जुबान नहीं खुल रही। आप क्राइम का आंकड़ा उठाइए इस देश का पिछले साल का, 6,500 बलात्कार पूरे देश में, 26,000 बलात्कार हुए, 6,500 बलात्कार अकेले राजस्थान में हुए, अकेले राजस्थान में 6,500 हुए, लेकिन कोई मीडिया नहीं दिखाता। तो जब मीडिया गंदा काम करेगा तो मीडिया से विश्वास हट जाएगा लोगों का। नहीं, जिस तरीके से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई, तो उस समय जो अभी भाजपा जो अभी बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार या जो लालू यादव की जो गठबंधन की सरकार है, वहाँ पे भी ये सवाल उठे कि क्या जो मनीष कश्यप थे वहाँ के जमीनी मुद्दे दिखाते थे, वहाँ की बेरोजगारी, स्कूल और अस्पताल के हालात दिखाते थे, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें भी टारगेट किया गया, कि लोगों का मानना था कि वो क्योंकि जमीनी मुद्दे दिखाते थे जिस वजह से बिहार सरकार ने टारगेट किया। सुनिए, मनीष कश्यप वहाँ का यूट्यूबर है, है ना, वो बहुत सारी घटनाएं दिखाता था, मुद्दे दिखाता था, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक पुराना वीडियो, शायद उसे नहीं पता होगा, वो उसने गलती से डाल दिया, और उसने बोला भी भाई मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उसको क्या हुआ, चेन्नई में FIR दर्ज कराई। जी जी।
तमिलनाडु स्टालिन, हाँ उन्होंने कराया, और उनका बिहार वालों सरकार का और उनका आजकल बहुत भाईबंदी आपस में है कि साले को वहाँ बंद करा दो जी। तो ये खुंदक वाली बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का दोगलापन क्या था, अच्छा। कि मनीष कश्यप तो अंदर रहे, और वो जो मणिपुर में जांच करने गए थे जिन्होंने गलत रिपोर्ट दिखाई 5 पत्रकारों ने, जिसे गिल्ड के नाम से जानते हैं, उसको बोले कि छोड़िए कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही भेदभाव कर रहा है स्टेटों को लेके, तो आप लोग भी कुछ लोग मीडिया हाउसेस में शामिल है, और जनता सब समझती है, जनता सब समझती है, जनता तो सब समझती ही है। लेकिन सवाल जो खड़े होते हैं कि आखिर जो पत्रकारों पे जो हमले हैं, चाहे वो बिहार में एक जो पत्रकार थे उनके घर में घुस के मारा गया, या फिर तरीके से हमला करना जी, उसका वो नहीं करते हैं। जी तो जो पत्रकार पे हमले हैं ये भी बढ़ रहे हैं। देखिए जो रैंकिंग आती है उसमें जो इंडियन डेमोक्रेसी रिपोर्ट है उसमें जी बताए, बिहार में हमला हुआ है ना, बिहार में होगा जी। और आप बिहार सरकार से पूछिए, क्यों नहीं पूछ रहे क्यों हमला हुआ, पूछिए जनता पूछेंगे वहाँ। हाँ सवाल यह है कि जब हम जनता से बात करते हैं तो उनके नजरिए से पूछ, सरकार है वहाँ पे। देखिए पिछले 1990 से वहाँ राहु केतु की सरकार है, अच्छा। और जब राहु इसमें कौन है वो आप हिसाब लगाइए, आप समझदार होंगे, ठीक है, आप लगाइए अंदाजा कौन राहु है कौन केतु है, ठीक है। तो वहाँ क्या शनि के आने की अब बारी है इस बार? देखिए शनि के तो ये दोनों छाया घेरा है, अब तो हम चाहते हैं बृहस्पति आ जाए वहाँ, अच्छा ठीक है। लेकिन चलिए एक अंतिम सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि जो, क्योंकि चौथा स्तंभ है पत्र, जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है देश का, अब ऐसे में चाहे वो कुछ भी मामला आए, चाहे मनीष कश्यप हो या वेबसाइट हो या फिर पिछले हफ्ते की घटना दिखाता हूँ मीडिया की, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के एक वो थे कार्टूनिस्ट, उज्जैन की घटना हुई, वो लड़की वाला मामला जानते होंगे आप, बलात्कार हुआ, वो लड़की जा रही थी, लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, एक पंडित जी ने उसको चद्दर दी, पुलिस बुलाई, हॉस्पिटल भेजा, इसी बेंचो क्या मेरे को गाली देनी चाहिए उसे, और एक नहीं हजार देनी चाहिए उसको जिसने कार्टून बनाया। उसने कार्टून क्या दिखाया, लड़की जा रही है और नीचे ब्लड बह रहा है, और उस कुत्ते के बच्चे ने कार्टूनिस्ट ने पीछे पंडित जी को गाय की पूजा करते दिखाया, वामपंथी कार्टूनिस्ट ने। तो ऐसे कुत्ते कुत्ते लोग मीडिया हाउस में आप लोग रखोगे, और आप सोचते हो कि देखिए सवाल उतारे, चाहे मीडिया हो चाहे राजनीति हो, हर तरह के लोग हर फील्ड में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, जो रैशनल क्वेश्चन होते हैं, वो तो मतलब रहेंगे। वो हर जगह दिखाना चाहते हैं पंडित बुरे हैं, अगड़ी कौम बुरी है, अगड़ी कौम ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, या और जो ये उद्योगपति है ना, जिस दिन ये उद्योग बंद कर देंगे ना, जैसे बंगाल में करा दिए लाल झंडे वाले उठा उठा के लाल झंडे, आज कलकत्ता वाले पूरे देश में धक्के खा रहे रोजगार। अरे एक अंतिम सवाल का जवाब, आप चाहते हो अडानी अंबानी इन सबके उद्योग बंद हो जाए? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है, व्यापारी हमेशा से राजा के करीब रहा है, राजा और व्यापारी का बहुत बड़ा संबंध होता है, देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए राजा और व्यापारियों का बहुत बड़ा संबंध होता है, क्योंकि उनको व्यापार बढ़ाना होता है देश की खुशहाली के लिए। अकेला अंबानी ने पिछले साल 84,000 करोड़ रुपए टैक्स दिया था। अभी फिलहाल जो डेमोक्रेसी अर्थव्यवस्था, सुनिए, दिल्ली की अर्थव्यवस्था कुल 60,000 करोड़ है, जिस दिन 20-50 अंबानी देश में पैदा हो गए ना, देश इतना खुशहाल हो जाएगा कि पूछिए मत। हमें अडानी और अंबानियों की जरूरत है, हमें इन ये जो भूखे बंगाली है ना कटोरा लेके घूम रहे हैं, जो विरोध करते हैं, इनकी जरूरत नहीं है इस देश को। चले एक सवाल और है कि तो परजीवी सर आप सवाल ही नहीं सुनते हैं, सवाल ये है कि क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री को ऐसा माहौल नहीं चाहिए जहाँ पे जो सारे पत्रकार है वो अपना काम कर सके, ताकि किसी पे भी हमले ना हो और सब जो काम करना चाहते हैं खुला एक तो मंच। बिहार में हमला हुआ, जाइए बिहार में सारे रिपोर्टर इकट्ठे, दिल्ली में भी हुआ सर, दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली की सरकार के पास जाइए, दिल्ली का जो शासन संभाल पुलिस तो केंद्र के पास है, होम मिनिस्ट्री, हाँ तो जाइए ना गृह मंत्री के पास, जाइए बात कीजिए। आप एक नागरिक, आप नागरिक के तौर पे क्या सोचते हैं, क्या पूछ रहे हैं, मैं तो नागरिक के तौर पे आपको क्या लगता है? मैं तो कह तो रहा हूँ नागरिक के तौर पे कि जाइए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। अमित शाह इंटरव्यू नहीं देते हैं? अमित शाह इंटरव्यू नहीं देते? देते हैं, बहुत अच्छा देते, बहुत अच्छा देते, ना जाइए लीजिए।
तो देखा आपने कि पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं, हमने उस सिलसिले में बात की लोगों से और लोगों से जाना कि उनकी क्या राय है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने हिसाब से जो मीडिया को टारगेट करने का ये सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन अब 24 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें देखते हैं कि किस तरीके का रोल मिलता है और कितने जो मीडिया हाउसेज उन पर रेड पड़ती है, या फिर इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो या फिर सीबीआई हो, अब विपक्ष के बाद कितने लोग मीडिया हाउसेस के पास भी पहुंचते हैं। चलिए इसी तरह के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।